हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एग्जाम डे बाय डे पास आता जा रहा है। तो अगर आप लिमिटेड सा टाइम भी दोगे, जब भी 3 से 4 महीने आपको एटलीस्ट अच्छे से सिलेबस कवर अप करने के लिए चाहिए, तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है कि आज ही से अभी से तैयारी शुरू करें? जी हाँ, बिल्कुल। जितना आप डिले करोगे ना, उतना आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने सिलेबस के साथ और अपने पूरे 1 साल को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो। इसका मतलब आप, मेरे कहने का मतलब साफ साफ ये है कि वो काम मत करो कि बाद में पछताना पड़े। इसका मतलब ये है कि जब भी आप तैयारी शुरू करें, ऐसे तैयारी शुरू करो कि आपको एक अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि मुझे कुछ लिमिटेड से टॉपिक्स कवर अप करने हैं। दोनों चीजों बड़ा फर्क है, समझिए इस बात को। अगर आप सिर्फ इसलिए जाएंगे कि सिलेबस कवर अप करना है, तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप इसके लिए जाइए, मुझे सिलेबस कवर अप करने के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि जैसे कि हर साल वेटेज बढ़ती जा रही है एप्टीट्यूड की, तो इस बार 50% तक पहुंच गई है। यानी 40 में से, तो माफ कीजिएगा, 80 में से 40% तो सिर्फ हमारे सिर्फ क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी से आ रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या मैंने लेट कर दिया? अभी मैं कहूंगा कि आपने कोई लेट नहीं किया, थोड़ा और टाइम जाएगा, फिर मैं कहने मजबूर हो जाऊंगा जी हाँ आपने तैयारी के लिए लेट कर दिया। हर चीज का सलूशन होता है। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, तैयारी कैसे शुरू करनी है। देखो, इसीलिए अभिमन्यु आईएएस ने एक अर्ली सीसेट बैच ज्वाइन कर लिया। मतलब आप ज्वाइन कीजिए, हम तो कर चुके हैं इसको लॉन्च, ज्वाइन नहीं लॉन्च कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, टाइमिंग बड़ी अच्छी रखी है हमने, हमने टाइमिंग रखी है इसकी 3 से लेकर 4.5 दिन में। ठीक है, कि अगर कोई बच्चा कॉलेज गएंगे वो अपनी क्लासेस आराम से लगा सके, कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, कम से कम 4 दिन ये रहेगी क्लास आपकी। ठीक है, टोटल लेक्चर 180 प्लस हैं और कम से कम 1 से 1.25 डेढ़ घंटे का हर लेक्चर है आपका। क्लियर? तो 180 लेक्चर करने के बाद आपको लगता है कुछ छूटेगा? जी नहीं, गलत फहमी, कुछ नहीं छूटेगा। अगला क्या, देखो टोटल आपको ये 90, अभी 90 क्या है, ये 90 लेक्चर वो हैं जो आपको लाइव, एक्चुअली ये जो बैच है ना, ये आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है। ठीक है, फीस भी उसी हिसाब से वेरी करेगी। फीस के लिए जो भी आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। देखो टोटल 90 लेक्चर हैं, ये तो आपको बैच के अंदर मिल रहे हैं, जिसमें 50 आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड के हैं। ठीक है, जिसमें 25 लॉजिकल के हैं और 15 आपके रीजनिंग के लेक्चर और 15 आपके इंग्लिश के लेक्चर हैं। क्लियर? तो टोटल 90 हो गए। अब इसके साथ आपको क्या मिल रहा है, जो हम एडिशनल आपको दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर लेक्चर से आपके पास 15 है। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन आपके पास 50 प्लस है और ये ऑलरेडी अपलोडेड है पोर्टल पर। लाइव मेंटरशिप सेशन कितने आपके, 30 प्लस। तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपको कवर अप करवाए जाएंगे। क्लियर? आपको लगता है इसके बाद कुछ छूटेगा? कुछ नहीं छूटेगा। देखो ये जो 3 से 4.5 लिखा है ना, एक्चुअली 5 बजे तक है। ये जो है, ये जो लिखा ना 4.5, ये एक्चुअली 5 बजे तक है। अभी 5 बजे तक क्यों है भाई? 30 मिनट किस चीज के एक्स्ट्रा क्यों बिठाना, 30 मिनट टाइम वेस्ट हो रहा है? जी नहीं, देखो जो आपको लाइव लेक्चर मिलने वाला है, चाहे वो आप ऑनलाइन लगाओ चाहे वो ऑफलाइन लगाओ, उसमें 2 से 3 एडिशनल चीजें। देखो पहली क्या है, आपकी लेक्चर पीडीएफ, यानी जो भी लेक्चर होगा आपका उसकी पीडीएफ उसी दिन या एक दिन पहले पोर्टल पे लग जाएगी। ठीक है, नंबर दो पे क्या है, नंबर दो पे क्या है, आपके रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस क्या है भाई, रिसोर्सेस चैप्टर का वो पार्ट होता है बेटा जिसमें थ्रेटिकल पोर्शन या कुछ फॉर्मूला या कुछ भी हो। नंबर तीन, प्रैक्टिस शीट, डेली आपको हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जा रही है। जो 4:30 से 5 बजे का टाइम है ना, यानी मेरे 30 मिनट है, इसमें हम डाउट्स ही लेते हैं। इसका मतलब लेक्चर के साथ ही आपका डाउट सेशन है। क्लियर? और आखिर होगा आपका वीकली टेस्ट, जो हमने पूरे हफ्ते में करवाया, जो हमने पूरे हफ्ते में कवर अप किया, उसी का वीकली टेस्ट होता है हर वीकली। और मंडे को आपका उसका वीडियो सोल्यूशन मिलता है, हर मंडे लेक्चर से पहले उसका वीडियो, उसका सोल्यूशन करवाया जाता है। मैं खुद करवाता हूं वीडियो सोल्यूशन और वो पोर्टल पे अपलोडेड हो जाते हैं वीकली टेस्ट सीरीज या वीकली टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर। क्लियर?
तो आपको कुछ भी चीज यहाँ पे छोड़ी नहीं गई है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए। क्लियर? तो समझिए इन चीजों को, बहुत क्रूशियल है सीसेट आपके आने वाले भविष्य के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बेटा मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो है मेरा चेन रूल टॉप 5। छोटे छोटे क्वेश्चन है चेन रूल के, पहले बता देता हूँ होता क्या। देखो इसमें कैसे क्वेश्चन है, मैन वुमेन वाले क्वेश्चन होंगे, अपने कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन होंगे। एक बेसिक फॉर्मूला क्या लगाना है, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। होपफुली सब आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूं। M होता है मेरे पास नंबर ऑफ मैन या वुमेन, D होता है मेरे पास नंबर ऑफ डेज, H होता है नंबर ऑफ आवर्स, E होता है एफिशिएंसी और W क्या होता है मेरे पास टोटल वर्क। ठीक है, ये हो गया M2 मतलब दूसरे ग्रुप के मैन वुमेन, डे मतलब दूसरे ग्रुप के डेज, आर मतलब दूसरे ग्रुप के आर्स, एफिशिएंसी मतलब दूसरे ग्रुप के मैन वुमेन या चाइल्ड जो भी दिया उसकी एफिशिएंसी, और W2 क्या है उसी का वर्क। क्लियर? तो होपफुली ये चीज, बस इतनी सी बात ही समझनी है इसमें, 4 से 5 अच्छे क्वेश्चन है, चलिए उनको करते हैं। चलिए भाई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया, अ पोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज, आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द पोर्ट एंड नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड लास्ट इज। देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं मेरे पास वर्क डन कितना है, इसके अंदर कंडीशन 2 है। कंडीशन 1 क्या, देखो मेरे पास अ फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज, इसका मतलब 150 बंदों का 45 दिन का खाना मेरे पास है। ठीक है, शुरू में क्या होता है, आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, इसका मतलब मैं क्या हूं कि भाई M1 D1 है मेरे पास, यानी 150 जो लोग थे उन्होंने बेटा 10 दिन तक खाना खाया, ये हुआ टोटल वर्क मेरे पास क्या था। आप कहोगे सर 150 व्यक्तियों का 45 दिन का खाना था, अब वर्क रिमेनिंग कितना आ गया, वर्क रिमेनिंग कितना आया, 150 गुना 45 माइनस ऑफ 150 गुना 10, सो 150 को अगर मैं कॉमन लू कितना बचा, 45 माइनस 10 तो 150 गुना 35 मेरा काम बच गया। ठीक है, 150 गुना 35 मेरा काम बच गया, 160 लग रहा है, चलिए 150 गुना 35 मेरा काम बच गया। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड लास्ट फोर, इसका मतलब ये मेरे पास वर्क है और ये किसने करना है, M2 लोगों ने D2 डेज। क्लियर, यानी 150 गुना 35 ये काम करना है भाई किसने, देखो टोटल 150 में 25 छोड़ के चले गए तो कितने बचे, 125 इंटू डी ऑफ 2, तो 25 छिका 150, 25 पंजा 125 7, तो 6 गुना 7 कितना हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी 42 दिन इज द राइट आंसर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है बट दीज आर यूनिक क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए 2 मैन एंड 7 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, देखो यानी 2 मैन एंड 7 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, 3 मैन एंड 8 बॉयज, 3 मैन एंड 8 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 11 डेज। तो सबसे पहले मुझे कुछ नहीं, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, कुछ कट तो रहा नहीं, तो करो मल्टीप्लाई 4028 मैन प्लस ऑफ 98 बॉयज बराबर में 33 मैन प्लस 88 बॉयज, तो ये कितना हो गया, देखो मेरे पास अगर मैं यहां से करना चाहूं 98 बॉयज माइनस ऑफ 88 बॉयज इज इक्वल टू 33 मैन माइनस 28 मैन, तो ये कितना हो गया, 10 बॉयज इज इक्वल टू 5 मैन और 5 मैन इज इक्वल टू 10 बॉयज
मैन अपॉन बॉयज कितना हो गया 10/5 यानी 2:2/1 यानी मैन की एफिशिएंसी 2 और बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 1 क्लियर। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये काम किसने करना है? अगर मैं बात करूं काम मेरे पास क्या है, 2 men + 7 boys यानी 11 डेज में करना है, यानी 2 into men कितना बेटा 2 और 7 into 1 into 11 कुछ ऐसा ही है, ध्यान से देखो 2 men + 7 boys, सो मैन अपॉन बॉयज की एफिशिएंसी कितनी मेरे पास 2/1, तो ये कितना हो गया भाई 2 × 4 और सॉरी 14 है, ये काम हो गया। अब ये करना किसने, 8 men and 6 boys, 8 men + 6 boys नंबर ऑफ डेज क्लियर। ये मेरे पास अब आंसर देखना है मैंने कितना आएगा इसका क्लियर। चलिए देखें जरा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। चलिए देन 8 men and 6 boys कैन डू 3 times, अच्छा 3 times है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 × 11 × 14, 3 × 11 × 14 इज इक्वल टू 8 men यानी 8 × 2 + 6 × 1 नंबर ऑफ डेज, तो ये कितना 3 × 11 × 14 इज इक्वल टू 22 डी, सो 11 × 22 तो 7 × 3 कितना हुआ 21 डेज, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्लियर। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है कि इनकी तरफ इतना ध्यान देते हैं बच्चे, ये बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बट यहां पे बच्चे गलती बहुत ज्यादा करते हैं, कई बार एफिशिएंसी में गलती करते हैं, कई बार कुछ कैलकुलस मिस्टेक हो जाती है, तो बड़ी सारी गलतियों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है क्लियर। चलिए चलिए 39% कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 आवर्स अ डे, इन हाउ मेनी डेज विल 30% वर्किंग 6 आवर अ डे कंप्लीट द वर्क। देखो मैंने आपको बताया था अभी एक फॉर्मूला ना m1 d1 h1 e1 upon w1 is equal to m2 d2 h2 e2 upon w2 क्लियर। अब होता क्या है, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे w1 w2 कुछ नहीं दिया मुझे, सिंपल सिंपल लेना है मेरे को कि भाई 39% है 12 दिन काम कर रहे हैं वर्किंग 5 आवर द डे, अब ये काम किसको करवाना है मुझे, इन हाउ मेनी डेज 30% वर्किंग 6 आवर अ डे 2 डेज क्लियर है जी। चलो देखो 5 × 6 = 30 6 × 12 2 × 3 = 6 और 13 × 3 = 39 तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए मेरे पास 30 बताओ। बट यू मस्ट नो एक्चुअल अप्रोच एंड कॉन्सेप्ट टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं। चलिए भाई अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज, इफ देयर वर 10 मैन लेस इट वुड टेक 10 डेज मोर फॉर द वर्क टू बी फिनिश, हाउ मेनी मैन वर देयर ओरिजिनली। अगेन मैं वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा m1 d1 h1 e1 is equal to m2 d2 h2 e2। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने करना क्या है, जहां पे जो कंडीशन दिया ना वही लेनी है, मतलब अगर m दिया तो m ले लो, d दिया d ले लो, h और e नहीं दिया तो मत लो, जान दो उसको ऐसे 1 मान लो। मैंने मान लिया नंबर ऑफ मैंने मेरे पास m थे, पता नहीं लेट नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू m क्लियर है, कैन डू अ पीस ओवर 100 डेज और बी कितना दिया 100 डेज में कर रहे हैं भाई काम। अब वो क्या कह रहा है, इफ देयर वर 10 मेन लेस, इसका मतलब m2 कितना है, m1 से 10 कम है, m1 से 10 कम है m2 क्लियर, इट वुड हैव टेक 10 मोर डेज, यानी अगर 100 था यहां पे कितना हो गया, बस बात खत्म क्लियर। चलो भाई देखो काट दो जरा, तो कितना बचा 10m इज इक्वल टू 11m माइनस ऑफ 110, तो 11m माइनस 10m इज इक्वल टू 110, तो बेटा m कितना आ गया यहां से 110। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में क्लियर, कभी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो अब आपको पता कैसे करना है, क्योंकि सनी सर अभी मीडिया पे करवा रहे हैं ठीक है। चलिए अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स
to do a piece of work in 40 days. He engaged 100 men at the beginning and 100 more after 35 days and complete the work in stipulated time. If he had not engaged the additional men, how many days behind schedule it would be finished? अब ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ये क्वेश्चन आप पॉज करके प्लीज ट्राई करना जब तक मैं करवाता हूं। देखो अब मैन अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ 40 डेज, 40 दिन में काम होना था बट 40 दिन में हो नहीं रहा बिकॉज जो मेरे पास आदमी थे या व्यक्ति थे वो थोड़े से ढीले ढाले थे, उन्होंने काम नहीं किया। तो सबसे पहली बात कंडीशन वन क्या हो रहा है इसमें, ही एंगेज 100 मैन एट द बिगिनिंग 100 मोर आफ्टर 35 डेज, इसका मतलब 100 बंदों ने भाई 35 दिन तक काम किए, यानी इन्होंने कितना काम किया शुरू में कंडीशन उन्होंने 3500, उसके बाद इसने 100 मैन और एंगेज कर लिए तो इसका काम स्टिपुलेटेड टाइम यानी ऑन टाइम खत्म हो गया। अगर कंडीशन वन में 100 बंदे थे तो कंडीशन टू में क्या हुआ, 200 हो गए, 5 ये हो गया तो 1000 काम हो गया। इसका मतलब टोटल वर्क कितना मेरे पास 4500, टोटल वर्क मेरे पास 100 गुना 40 नहीं है, टोटल वर्क मेरे पास कौन सा है बच्चों 4500 वर्क। अगर ये 4500 वर्क है, वर्क क्या है मेरे पास मैन इन टू डेज, अगर 4500 काम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो कह रहे सिर्फ 100 बंदे ही करते हैं तो नंबर ऑफ डेज कितने लगते, तो भाई इनको कितना लगता 45 डेज। अगर 45 डेज लगते, अगर आपके पास 45 डेज लगते तो काम कितने में खत्म करना था मेरे बच्चों, काम खत्म करना था मुझे 40 दिन में, बट कितने में खत्म हो रहा है 45 दिन, तो इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा डेज लगने थे मेरे पास 5 डेज। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ऑफ सी सेट, क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आप वाए तो बस कर देना है, क्लियर। तो ये था आज के सेशन के क्वेश्चन, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए प्यारे बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है अभी पीडीएम माइक्रो कोर्सेज। व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज का कॉन्सेप्ट क्या है बताऊं, व्हाट इज अभी पीडीएम माइक्रो कोर्सेज क्या है भाई माइक्रो कोर्सेज का कॉन्सेप्ट। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, माइक्रो कोर्सेज क्या होता है, माइक्रो कोर्स छोटे कोर्स, इसका मतलब पूरा कोर्स ना करके हम सिर्फ वो उस पार्ट को क्लियर करें या उस पार्ट को टारगेट करें जो मुझे करना चाहिए। जैसे मैं बात करूं आपका नंबर सिस्टम, मैं चलो दिखाता हूं आपको क्या बात करना है, दिखाई देते हैं। और बेटा इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा इसीलिए, क्लियर। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, चलिए सीवी सर्विस इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले सारे सब्सक्रिप्शन हैं यहाँ पे, वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट कोर्सेज और यहाँ पे आपके माइक्रो कोर्सेज, और यहां से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। चलिए यूपीएस ऑनलाइन से सेट टॉपिक वाइज माइक्रो कोर्सेज, देखो यहाँ पे आपने क्या करना है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालो अगर कोई दिक्कत है, वरना आपको मैंने नंबर ही बताया उस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो, क्लियर किसी भी टाइम। नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे पास, अब जैसे मैथ एंड मेंटल बिल्डिंग बेटा बात करें, चलिए देखिए पूरा बंडल 3369 में, अगर परचेज करना है तो करिए, वरना अगर सिर्फ नंबर सिस्टम करना है तो 10 आउटस्टैंडिंग लेक्चर है, कम से कम घंटे सवा घंटे से कम का कोई लेक्चर नहीं है, 9 वेब नोट्स हैं और आपके पास 421 क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात 6 मिनट का फ्री ट्रायल दिया गया आपको, 6 मिनट का फ्री ट्रायल दिया गया। इसमें क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट, देखो सबसे बड़ी बात 10 वीडियो लेक्चर्स में सारा का सारा नंबर सिस्टम खत्म है, और जो आपको ये दिया हुआ है ना 421 MCQs, इसके अंदर सारे आपके प्रीवियस ईयर भी। व्हाट आर दी वेब नोट्स, वेब नोट्स के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट आपका, जो थ्योरी पार्ट होता है आपका, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, और 6 मिनट का ट्रायल भी ले सकते हैं सिर्फ 324 रुपए का, जैसे सिंप्लीफिकेशन है बेटा ऑलमोस्ट 15-16% सिंप्लीफिकेशन भी आता है, 114 रुपए का 4 लेक्चर से एक वेब नोट्स और 117 MCQs है, परसेंटेज है 9% परसेंटेज है, 167 के 4 लेक्चर है, 4 वेब नोट्स और 277 इसमें MCQs है आपके पास, क्लियर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 6 मिनट का ट्रायल हर चैप्टर के साथ दिया गया। देखिए
नेक्स्ट ऐसे ही जैसे अगर मैं इसकी बात करूं आपके, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं या आपके लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिक एबिलिटी की बात करूं, मैं 2646 का पूरा बंडल है। जैसे पजल टेस्ट आना ही आना है भाई, 22% है रैंकिंग एंड ऑर्डर, जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, बेशक लिखा 12%, बट ऐसा कभी नहीं होगी रैंकिंग या ऑर्डर से क्वेश्चन ना आए आपका। बिटेक 130 रुपए का 6 लेक्चर है, 1 बार नोट्स 204 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसी तरीके से इंग्लिश का भी पूरा तैयार किया गया। देखिए आप लोगों के लिए सब चीज तैयार है, बस आप लोगों की वेट है, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको एक चीज, चलो मैं पहले बताता हूँ आपको। देखो पूरा बंडल 413 का रेडी कॉम्प्रिहेंशन है, 100% आपके पास आता ही आता पता है, 6 लेक्चर में कंप्लीट है, 6 मिनट का ट्रायल है, 968 क्वेश्चन है और वर्ड बिलिंग। उससे अगली बात, यहाँ पे बच्चों के नाम है और यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है कि उन्होंने क्या बोला होगा। सो दीज आर प्राइसलेस फॉर अस, दीज आर प्राइसलेस बिकॉज ये वो बच्चे हैं तो यहाँ पे आपकी तरह आए थे नौकरी के सपने के साथ और नौकरी लेके गए हैं यहाँ से, क्लियर। क्योंकि डेडिकेशन दिखाई, हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है, इवन अ सिंगल पर्सन पे भी, सिंगल बच्चे पे भी हम काम करते हैं कि यार इसको प्रॉब्लम है आप आइए, क्लियर। तो ऐसी बात नहीं, जब आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।